गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आम नूपुर। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी स्किन केयर रूटीन अपने मॉर्निंग का और नाइट का, कि आप कैसे अपने स्किन की केयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और पूरी देखिएगा। तो समर्स के टाइम पे आपको अपने स्किन का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको इन्हें एक्ने की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है। प्लस ऑयली स्किन बहुत आपको इरिटेट करती है, और अगर इनकी जिनकी ओवर ड्राई स्किन होती है तो वो बहुत ही अजीब हो जाती है। तो उसमें आपको अपना थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए आप ये वीडियो जरूर पूरी देखिएगा, ताकि कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो। आपको अपने स्किन केयर रूटीन में आपको क्या क्या लाना चाहिए वो सब आपको इसमें मिलेगा। प्लस मैंने जो भी प्रोडक्ट्स इसमें यूज किए होंगे उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको भी खरीदना होगा तो आप वहां से इसे आराम से खरीद सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम क्लींजिंग करेंगे। तो क्लींजिंग के लिए मैंने यहाँ पे कोको सोल का कोल्ड प्रेस वर्जन कोकोनट ऑयल लिया है। ये बहुत ही अच्छा ऑयल है, ये 100% नेचुरल है। ये ऐसा क्लेम करता है कि ये 100% नेचुरल है, और ये आपके स्किन को ब्राइट और ग्लोइंग बनाने में बहुत हेल्प करता है। और आपने अगर मेकअप किया हो या ना किया हो तब भी आपको ये यूज़ ज़रूर करना चाहिए। और ये आपकी स्किन को बहुत जल्दी सॉफ्ट सा, स्मूथ और एकदम फ्रेश बनाएगा। और ये आपकी स्किन में बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं देता है। ये बहुत ही लाइट वेटेड है। इसे आपको 2 मिनट तक अपने स्किन पे मसाज करनी है। दो मिनट तक मसाज करने के बाद आप वाइप की हेल्प से या कॉटन की हेल्प से अपना फेस जो है क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है, इसे हम डबल क्लीनिंग भी बोलते हैं। इससे आपके फेस पे जो भी डर्ट होगा, मेकअप होगा, इजीली रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं यूज़ करूँगी फेस वॉश। तो ये मैंने ममा अर्थ का टी ट्री फेस वॉश यूज़ किया है। ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है गाइज। इसमें टी ट्री और नीम मिला हुआ है, और ये अगर आपके स्किन पे एक्ने और पिंपल्स हैं उसको भी क्योर करने में बहुत हेल्प करता है। प्लस काफ़ी सारे फेस वॉश होते हैं जो आप यूज़ करने के बाद आपका स्किन बहुत ड्राई हो जाता है। इससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, काफ़ी स्मूथ रहेगी, और ये आपके फेस से ईजीली डर्ट को क्लीन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर आप कोई अच्छा फेस वॉश देख रहे हैं तो ये फेस वॉश आपके लिए बहुत अच्छा है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम करेंगे स्क्रब। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉसम कोचर का एरोमा मैजिक कॉफ़ी बीन स्क्रब लिया है। तो स्क्रब को आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही यूज़ करना है, उससे ज़्यादा यूज़ मत करिएगा। तो ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है, ये आपके स्किन को काफ़ी स्मूथ बनाता है और आपके स्किन को ब्राइट बनाने में भी बहुत हेल्प करता है। और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, और सारे स्किन टाइप्स वाले लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, और आपकी स्किन को बिल्कुल इरिटेट नहीं करता है, और ये आपके फेस पे ग्लो लाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो इसे आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक अपने फेस पे मसाज करना है अच्छे से स्क्रब करते हुए। फिर उसके बाद इसे ठंडे पानी से हम इसे वॉश कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये गुड वाइब्स का पपाया ग्लो फेस मास्क। तो फेस मास्क लगाने के लिए भी आपको कम से कम हफ्ते में 2 बार ही यूज़ करना है, ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है। तो ये फेस पैक आपके फेस पे अगर कोई डर्ट है तो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको दूर करने में हेल्प करेगा, ओपन पोर्स को रिपेयर करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा, प्लस आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो भी लेकर आएगा। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन और ब्लेमिशेस है तो इसको दूर करने में काफ़ी हेल्प करेगा, प्लस आपके स्किन को बहुत ही क्लियर करेगा और आपके फेस को काफ़ी हाइड्रेटेड भी रखेगा। और ये ऑयली स्किन टाइप्स के लिए बहुत ही अच्छा फेस पैक है, तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और ये बहुत ही रीज़नेबल है, इसका छोटा पैक भी आता है, तो आप इसको ज़रूर एक बार ये ट्राई करके देखिएगा। फिर उसके बाद हम इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। नेक्स्ट मैं टोनर यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का ग्रीन टी ग्लो टोनर यूज़ किया है। तो अगर आप अच्छा टोनर और रीज़नेबल देखना चाहते हो तो ये एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। ये बहुत अच्छा टोनर है, ये आपके फेस पे ग्लो लाने में भी हेल्प करेगा, प्लस आपके फेस पे जो ब्लेमिशेस होंगे, स्कार्स होंगे, उनको भी रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र। तो मैं मॉइस्चराइज़र के लिए पॉन्ड्स का ये सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ।
ये गाइस बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, मेरी स्किन ऑयली है तो ये मुझे काफ़ी अच्छा इसने मुझे सूट किया है मेरी स्किन को। ये नॉन स्टिकी ग्लोइंग स्किन है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन ई मिला हुआ है जो स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और ये बहुत ही लाइट वेटेड है, ऐसा नहीं कि आपने स्किन में कुछ लगाया और बहुत हैवी सा आपको फील हो रहा है या चिपचिपा फील हो रहा है, बिल्कुल भी ऐसा आपको फील नहीं होगा। काफ़ी अच्छा सा और काफ़ी स्मूथ सा टेक्स्चर है इसका, तो आपको लगाने के बाद आपको स्किन काफ़ी स्मूथ और सॉफ्ट सी लगेगी। तो आप चाहें तो आप इसको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी रीजनेबल है ये। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ममा अर्थ का हाइड्रा जेल इंडियन सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। सनस्क्रीन आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, आप भले ही बाहर जा रहे हो या घर पे हो, सनस्क्रीन आपको ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि घर में जो लाइट्स होती है ना उसकी रेज भी आपके फेस को काफ़ी अफेक्ट करती है और उससे पिगमेंटेशन और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपके फेस पे आ जाती है, तो इसलिए आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। तो इसमें एलोवेरा एंड रास्पबेरी मिला हुआ है और ये बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है, ये SPF 50 है। ये आपके फेस को फ्रेश और हाइड्रेट भी रखेगा और ये काफ़ी लाइट वेट फॉर्मूला है इसका। अगर आपको ये अच्छा सनस्क्रीन देख रहे हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो टोनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस का टोनर, जो बहुत ही अच्छा टोनर है। ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है और साथ ही साथ आपके फेस पे अगर फाइन लाइन की प्रॉब्लम्स है तो उसे भी दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है और आपकी स्किन को काफ़ी सॉफ्ट और क्लीन करने में भी हेल्प करता है। मैं इसे 4-5 बार यूज़ कर चुकी हूँ तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इसे नाइट में लगाएं तो काफ़ी आपको फ़ायदा करेगा। लास्ट में मैं सोने से पहले यहाँ पे एरोमा मैजिक का अंडर आई जेल लगाती हूँ डार्क सर्कल्स के लिए। ये काफ़ी रीजनेबल है और काफ़ी अच्छा जेल है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये 100% पैराबेन से फ्री है और आर्टिफिशियल कलरिंग वगैरह, फ्रेग्रेंस वगैरह इन सब से फ्री है। इसमें कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट एंड एलोवेरा जेल मिला हुआ है जो आपके स्किन को काफ़ी रिफ्रेश करता है और साथ ही साथ इसमें एसेंशियल ऑयल लेवेंडर और लेमन है जो आपके जो पफ़ी आइज़ होते हैं उनको लाइटन करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आप कोई रीजनेबल आई क्रीम देखना चाहते हैं, अंडर आई क्रीम, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और रात में भी मैं सेम मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे दे दूँगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।